जिलों से समाचार में अब चलते हैं चंबा जिले की ओर। चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसकी स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन करने को कहा है। उपायुक्त ने बताया कि आने वाले समय में चंबा जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक प्रयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जहां पर्यावरण संरक्षण होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है और बहुत सारे सरकारें जो हैं वो अपनी, खासकर जो सरकारी फ्लीट है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने के उनकी कमिटमेंट है। और हमारे ज़िले में भी चार टैक्सीज जो HRTC की हैं चल रही हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 50 से ज़्यादा बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं। तो चंबा जिले में ऑलरेडी चार्जिंग स्टेशन हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक टैक्सीज चार चलती हैं, तो उसको अगर बढ़ावा देंगे आने वाले टाइम में, तो एक तो जो हम बहुत सारा जो तेल है जो आयात करते हैं उसके ऊपर हमारा करोड़ों रुपए जो है वो सरकार का लगता है, वो भी जो है उससे भी निजात मिलेगी। साथ साथ हम पावर सरप्लस स्टेट हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करते हैं तो एक तो प्रदूषण को जो है वो उससे कमी आएगी, और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, और मुझे लगता है आने वाले समय में उनकी रनिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और एक नए एम्प्लॉयमेंट के साधन जो है वो विकसित होंगे। उपायुक्त के अनुसार चंबा जिला मुख्यालय में करीब 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया जारी है।